भाई इसे देखकर मुझे ना जब तक ये जान वाला ना टेलीफोन याद आ गया। भाई यहाँ तो KFC भी पूरा खाली है, ये देख लो। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सबको सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और धमाल कर रहे होंगे ऐसी तड़कती भड़कती गर्मी में। तो गाइज आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, NCR में रहने के बावजूद भी मैं आज तक कभी उस लोकेशन गया नहीं। ना तो यार अपना कोई रिश्तेदार है वहां पे, ना कोई अपना दोस्त रहता है वहां पे, ना वहां कोई काम पड़ा। बट आज आप लोगों के लिए और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हट के एक्सप्लोर करने की बारी आ चुकी है। तो मेरा मन कर रहा है वहां जाने का, काफी दिन से प्लान कर रहे थे मैं और शालू, बट शालू अभी आजकल थोड़ा सा बिजी है। अभी भी वो मार्केट गई हुई है एडोरा के साथ, क्योंकि एडोरा उसको छोड़ नहीं सकती, आपको पता ही है। तो अभी हम निकल रहे हैं ऑल द वे। यार जब साथ चलेंगे तब पता चल जाएगा ना, मैं पहले बताकर जो सारा सस्पेंस है वो ब्रेक नहीं करना चाहता। वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और फटाफट मिलते हैं आपको मेट्रो स्टेशन। चलो तो गाइस आ चुका हूं मैं मेट्रो स्टेशन, अब फटाफट चलते हैं मंडी हाउस, वहां से चेंज करते हैं वॉलेट लाइन और हमें कहां जाना है, बाटा चौक फरीदाबाद। इतना सा आपको बता दिया, वैसे तो आपको पता चल गया होगा यार थंबनेल देखकर। तो फटाफट निकलते हैं यार, यही सेम लाइन है और मुझे जाना है यहाँ पे बाटा चौक। तो गाइस फाइनली मैं उतर चुका हूँ बाटा चौक मेट्रो स्टेशन ओल्ड फरीदाबाद। यार कम से कम 28 से 29 मेट्रो स्टेशन थे, मुझे तो खड़े खड़ी नींद आ गई यार। आज से पहले मेट्रो की इतनी लंबी जर्नी मैंने आज तक नहीं करी। तो फटाफट अपने आप को बूस्ट करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ से कैसे जाना है। ये है मेट्रो स्टेशन बाटा चौक, गेट नंबर 2 से आपको एग्जिट लेना है और यहाँ से बाहर निकलना है। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको ऑटो मिल जाएंगे और ऑटो का हम मैं भी पूछे तो यार कितने कितने का है। ऑटो रिक्शा मुझे मिल चुका है बट भैया बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं कर रहे। भैया कह रहे हैं कि 100 रुपये का 100 रुपये ही लूँगा, बिकॉज वहाँ से आता कोई नहीं है क्योंकि आज वर्किंग डे है ना, तो वहाँ क्राउड होगा नहीं। तो चलो यार आप अगर बार्गेनिंग करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप वीकेंड पे आओ तो। भैया ने एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है। भैया कह रहे हैं कि ये बना तो बहुत साल पहले से है बट अभी कोई मूवी की शूटिंग हुई थी, बॉलीवुड हुई थी, टॉलीवुड हुई थी या बॉलीवुड हुई थी पता नहीं है, उसके बाद से ज़्यादा अवेयरनेस हो गया तो ज़्यादा क्राउड आने लग गया है। तो चलते हैं यार देखते हैं। और बेसिकली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो स्ट्रीट्स बनी हुई है यार, पेरिस स्ट्रीट हो गई, लंदन स्ट्रीट हो गई, एम्स्टरडैम हो गई, सैन फ्रांसिस्को हो गई, पोर्टुगल हो गई, बार्सिलोना स्ट्रीट अभी बनने वाली है। तो भाई आप जा नहीं सकते, वीजा फ्री हम नहीं घूमेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन में। अब मैं आपको बता देता हूं, इतना ज़्यादा सस्पेंस भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं आ चुका हूं ओल्ड फरीदाबाद बाटा चौक, जो दिल्ली NCR का बहुत ज़्यादा पॉपुलर अट्रैक्शन बन चुका है आजकल। वो है मेरे पीछे ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट। यस गाइस बहुत टाइम से मैंने रील्स देखी थी, बहुत व्लॉग देखे थे और मन कर रहा था यहाँ पे आने का, अनफॉर्चुनेटली शालू आ नहीं पाई। तो हम चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं और जितने भी कंट्रीज की स्ट्रीट यहाँ दिखाई हुई है वो एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ऑटो से आते हैं तो 100 रुपये लगेंगे, 70-80 आप करवा सकते हैं अगर आप में बार्गेनिंग स्किल्स है। अंदर कोई भी टिकट चार्जेस नहीं है और टाइमिंग की बात करूँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 11 बजे तक। तो चलते हैं अंदर एक्सप्लोर करते हैं, चलो। तो गाइस भैया बता रहे थे यहाँ से एंट्री है, इस साइड भी ये स्प्रेड हो रहा है, उस साइड भी मार्केट है और ये पीछे जाके 2 से 3 किलोमीटर तक पूरा कवर होगा। और अभी तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है तो पता नहीं ये कितना बड़ा बनने वाला है और क्या पता पूरे दिल्ली NCR में सबसे बड़ा अट्रैक्टिंग पॉइंट बन जाए। तो गाइस ये है इसके बाहर का एरिया, एक बार देख लो आप, देख लिया गाइस ये सारा बाहर का है। और अब एंट्री करते हैं अंदर घूमने से। तो गाइज एंटर करते ही मुझे पेरिस वर्ल्ड स्ट्रीट दिख गई है, ये देख सकते हैं आप पीछे टॉवर। आओ फटाफट चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, बिना वीजा के आप पहुंच चुके हो पेरिस, कमाल है, बहुत बढ़िया यार। अभी तक जाना तो नसीब नहीं हुआ यार पेरिस, कम से कम ये पॉपुलर जो वहाँ का स्पेशलिटी है ये मॉन्यूमेंटल टॉवर ये तो देख लिया। तो अब आगे चलते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है यहाँ के, कोई टिकट नहीं है यार, आके बच्चे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, रील्स बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं, व्लॉग्स बन रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो गाइस अब यहाँ से चलते हैं लेफ्ट, हम आए थे वहाँ सामने, वहाँ से आते ही राइट लेते ही, सॉरी लेफ्ट लेते ही ये सामने आ गया पेरिस स्ट्रीट। और ये देखने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट, चलो अब कौन सी स्ट्रीट देखने को मिलते हैं हमें नहीं पता भाई, मैं तो पहली बार आया हूँ। व्लॉग को लाइक कर देना यार और कमेंट भी कर देना मेरी जान, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। 1 घंटे से मैं सिर्फ खड़ा ही हुआ था मेट्रो में। गाइज
गाइस ये मुझे लग रहा है बच्चों का गेम जोन। कमाल है यार, बाहर का देख रहे हो पेंट क्या किया हुआ है यार, कार्टूनिस्ट। और इसके बिल्कुल सामने है ये पूरी लाइन फूड कोर्ट की जा रही है आगे ये। और ये गाइस ऊपर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। वाओ भाई, सारे के सारे झूले हुए हुए हैं, उदास, कोई भी बच्चा नहीं है आस पास, ये देख लो। नहीं तो ये इतना भरा होता है, चाचा बता रहे थे, मैंने पूछा था सिक्योरिटी गार्ड कि भैया यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती यार। तो हम दूसरी सीट ढूंढते हैं। और बहुत ही बड़ा मॉल है गाइस, पता नहीं चल रहा कि अभी तो मैं पेरिस होके आया हूँ, तो अब फ्लाइट लेके मुझे कहाँ जाना है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। वाओ गाइस कमाल है ये, इम्तियाज अली जो हैं सर, उनकी मूवीज की कोई शूटिंग हो रही हो ऐसा नहीं लग रहा कुछ सीन। गेटिंग कन्फ्यूज यार, क्योंकि मैंने पता किया था और रिसर्च किया था, इतनी सारी स्ट्रीट्स थी यहाँ पर, बट यहाँ पर एक ही स्ट्रीट देखने को मिली है मुझे अभी तक, पेरिस स्ट्रीट। मुझे लग रहा है मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जगह इतनी बढ़िया है किसी गाइड की नीड होगी ही होगी। तो मैं भैया से पूछ रहा हूँ कि भैया बाकी जो स्ट्रीट्स है वो कहाँ है, एक बार पूछ लेता हूँ। तो भैया से मैंने जस्ट पूछा कि भैया जो बाकी सारी स्ट्रीट्स हैं पॉपुलर वो कहाँ है, तो कह रहे हैं वो बैक टू बैक साइड है, मतलब आप क्रॉस करते रहो बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर वन डे आउटिंग। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही डिफरेंट जगह पे, गेम जोन। और बहुत ही अलग टाइप से वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं वहाँ पे। आई बिलीव आप यहाँ पर आए तो फर्स्ट आपका जो स्पॉट होगा ना अंदर आने के लिए वही होगा। चलते हैं अंदर, एक बार एक्सप्लोर करते हैं, प्राइजेस पूछते हैं और कौन कौन सी गेम्स हैं। चलो तो गाइस अंदर चलते हैं, चेकआउट करते हैं और क्यों ये गेम सेंटर सबसे अलग है, यूनिक है, पता करते हैं अंदर से स्टाफ से। चलो नाइस यार, लाइट कॉम्बिनेशन ही फार बेटर यार, अट्रैक्ट कर लेगा किसी को भी बाहर से। तो गाइस स्टोर में मुझे मिले हैं, यहाँ पे स्टोर एक्सपर्ट भी हैं, सारी नॉलेज भी है। वैसे तो भैया का नाम क्या भैया? धनेश। मैम आपका नेम? आरती। मैम भी हैं एंड आकाश भैया, आशीष, आशीष भैया। तो आशीष भैया मुझे थोड़ा सा बता दो कि ये गेम्स क्यों डिफरेंट हैं और क्या क्या प्राइसिंग है, कितने टाइमिंग के लिए होता है, थोड़ा बहुत बता दो यार। ओके सर, ये हमारे पास वैसे काफ़ी वीआर गेम्स होते हैं सर, वर्चुअल में होते हैं। तो अच्छा, आपको पता ही होगा वर्चुअल रियलिटी है सर, तो वो चीज़ें जैसे आप रियल लाइफ में करने में डर लगता हो आपको, हाइट से, वाटर से या कहीं भी, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे आपको कराएंगे, जिससे आपका कुछ अंदर की जो हेजिटेशन है वो भी दूर हो जाएंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, नेक्स्ट लेवल है, 90 बेस सारी चीज़ें रहेंगी हमारे पास। और इसमें क्या प्राइसिंग क्या रहता है? ओके, प्राइसिंग के लिए मैं आपको दिखा, प्राइसिंग लिस्ट होगी कोई? एक सेकेंड, जस्ट वन मोर गेम, मतलब आप खेलते रहो कीप प्लेइंग। क्या होगा ये लिस्टिंग का? ये देखिए आप, प्राइस है हमारे पास, प्राइस लिस्ट। अच्छा, 90 सिनेमा 199, स्पेस वॉक 249, मतलब स्पेस वॉक आप सीधे चंद्रयान पे पहुंचा देंगे, जैसे गैस है। यस, ऐसा भी है हमारे पास, सारे ऑप्शन। कार रेसिंग 299, 360 रोलर कोस्टर 349, एक्स मिशन 6 मिनट्स के लिए है 499, एक्स मिशन 15 मिनट्स की है 1000 रुपीज़। इंजॉय ऑल गेम्स, गेट 50% डिस्काउंट ऑल्सो, क्या बात है यार, अच्छी डील है, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये सीट्स बनी हुई है? मैं बताता हूँ, ये 90 सिनेमा है सर हमारे पास, और ये आपके जैसे 90 बेस रहते हैं, 3D 7D होता है, वैसे 90 होता है सर। ये राइडें होंगी हमारे पास, आप 3 to 5 मिनट के लिए होता है ये। अच्छा। वो सुनने के लिए लगेगा आपको कि ओनली 3 to 5 मिनट, आप करके देखें, यही आपको बहुत ज्यादा लगेगा। और कोई मूवी प्ले होगी इसमें? मूवी कह लीजिए या क्लिप कह लीजिए, डेमो वीडियो ऊपर चल रही है सर आपके। अच्छा, ऐसी राइडें मिल जाएंगी लाइक डायनासोर, अंडरवाटर, हॉन्टेड हाउस, अलादीन टाइप्स, नेचर हॉरर एडवेंचर। और मुझे एक्चुअली फील होगा कि मैं यहाँ पर इस मूवी में ही हूँ। यस, ऐसा कुछ फील होगा, बिल्कुल ऐसे ही फील होगा, रियलिस्टिक फील होगा आपको, कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब वेस्ट हो रहा है मनी, वेस्ट कुछ नहीं लगेगा आपको, वर्थ ही लगेगा सर। सो आशीष, एक बार बताइए, ये जो गेम सेंटर है, गेम जोन है, ये बाकी गेम जोन से अलग क्यों है यार? डिफरेंट सर, इसलिए आप जाएंगे पीसी गेम्स खेलेंगे, एक्सबॉक्स हो गया, प्लेइंग स्टेशन हो गया, सब हो गया। और ये वीआर गेम्स है सर, इसमें क्या होता है, आप अपने आप को फील कर सकते हो वर्चुअलिटी को। राइट, वर्चुअलिटी को आप फील करोगे जैसे आप शूटिंग कर रहे हो। ठीक है सर, आप कंप्यूटर्स में क्या करोगे, रिमोट में लगे रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें करके देखो, आपको लगेगा वहीं पे हो, बैटल ग्राउंड में उतार दूंगा जी, पबजी टाइप्स भी गेम्स है, एक्चुअल लगेगा कि मैं ही वहां फाइट कर रहा हूं। बिल्कुल एक्चुअल, पूरी बॉडी मूवमेंट है, चलना फिरना, जंप करना जी, वायरलेस के साथ है। और वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। गाइज वेल वेल वेल, आशीष ने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया यार, मतलब मेरे को गेम्स का वही पता था जो मारियो आती हैं और जो बड़ी बड़ी गेम्स है, प्ले स्टेशन हो गया, 360 हो गया, बट जो वर्चुअल गेम्स है, अगर आपने एक्चुअल फील करना है कि आप गेम के अंदर हैं, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर किसी के लिए। ज़रूरी नहीं कि बच्चा ही आए, बड़े भी आ सकते हैं। तो जब भी आप आएँ, ओमेक्स
वर्ल्ड स्ट्रीट, तो यहाँ पर ज़रूर आना, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। सो गाइज, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि गाइज कितना इन्जॉय कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और करना भी चाहिए यार, ऐसी जगह आके अगर फन मस्ती नहीं करी तो क्या करना है ज़िंदगी में। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। तो गाइज, आई हैव लिटरली फाउंड अ मास्टर बॉयज। तो गाइज, आपका नाम क्या है यार? दिनेश। दिनेश इनका नाम, और आपका? मैडी। तो कहाँ से हो मैडी दिनेश? हम यहीं से, चक्करपुर से। चक्करपुर से, तो अकेले ही आए हो या कोई और फैमिली में आया है? कोई साथ में ही आया? दोनों आए। तो पहली बार आए हो या आते रहते हो? फर्स्ट टाइम आए हो। तो भाई फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे जो व्यूवर्स हैं दूर दूर बैठे हैं, जो आने का सोच रहे होंगे उनको थोड़ा सा एक बार फीडबैक बता दो, अच्छा लगा, नहीं लगा, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जरूर आओ गाइस, यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है और बहुत ही यूनिक है, सब कुछ मिल जाएगा फ्री में, लंदन घूम लोगे और क्या चाहिए। और सुन लो यार, और कुछ सुनना चाहते हो? एक नंबर है ब्रो, हम चक्करपुर से आ रहे हैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। चक्करपुर से आ रहे हैं? मैं कहाँ से आया हूँ? सेंट्रल दिल्ली, करोलबाग से। अच्छा, कितना फार से? तो जब मैं भी आ गया हूँ, भाई भी आए हुए, एंजॉय कर रहे हैं। एक नंबर, एक नंबर। ये कॉन्फिडेंस लेवल देखो, ये हैप्पीनेस देखो, तो आपको भी आना चाहिए। अभी तक वीडियो बना रहे ब्रो, ये देख लो, अभी तक खाना भी नहीं खाया हुआ कुछ, एक्साइटमेंट इतनी है। तो आप लोग भी आना जरूर, एक बार विजिट करके आना, ठीक है? एंजॉय गाइस। तो गाइस, जाते जाते मैं आपको ये सिर्फ एक नाइट व्यू दिखा देता हूँ पेरिस स्ट्रीट का। ये सामने देख रहे हो जो ग्लिटर्ड आईफिल टावर है, इसके पास चलते। गाइस फाइनली काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे दिख गया है बर्गर सिंह, और बर्गर खाने का मेरा मन कर रहा है। सामने चलते हैं बर्गर सिंह में और खाते हैं मील। भाई साहब, यहाँ भी पोपट हो गया यार, मतलब जो बर्गर खाना था वो कह रहे भैया आउट ऑफ स्टॉक है यार, आज वो बर्गर है ही नहीं। कमाल ही हो गई यार, अब देखना पड़ेगा यहाँ पे मैकडी है या नहीं है, केएफसी है या नहीं है, और आप लोगों के लिए अपडेट हो जाएगा कि यहाँ पे केएफसी मैकडी है या नहीं है। बर्गर किंग, सॉरी ये बर्गर सिंह है, ये बर्गर सिंह है गाइस। तो अभी आगे देखते हैं यार। भाई यहाँ तो केएफसी भी पूरा खा लिया, ये देख लो क्या बात है, ऐसे दिन आओ जब कोई हो ही ना, वाह। सो गाइज, पेट पूजा हो चुके हैं, मज़ा आ चुका है, बिल्कुल रिलैक्स हैं, और अब निकलना है बिकॉज हमारा सफ़र भी बहुत लंबा है। क्या पता मैं घर जाऊँ, क्या पता मैं एडोरा और शालू से मिल जाऊँ, बिकॉज़ वो नानी को मिलने गए हुए हैं। और ये मॉल ज़रूर आना यार, यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा आपको फूड कोर्ट मिल जाएंगे, और घूमने के लिए तो एंडलेस यहाँ पे जगह है यार, ठीक है? और टाइमिंग आपको मैंने बता दी है, सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक शाम के, कोई टिकट लगती नहीं है। मेट्रो सबसे कन्वीनियंट है, कहीं भी बैठे हो आप मेट्रो लेना है, और बाटा चौक ओल्ड फरीदाबाद सेक्टर 79 आ जाना, ठीक है? और इस वीडियो को भी प्यार दे देना, लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, कुछ धमाकेदार, जोशीली और बिल्कुल हट के वीडियो में। तब तक के लिए डू लव एंड स्प्रेड लव, गुड नाइट, लव यू ऑल।